यार ये मोंटू बॉस पता नहीं किधर चले गए, मार खाते खाते अचानक से गायब ही हो गए। हाँ यार मैं भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मोंटू बॉस आप किधर हो, किधर हो आप? अरे गधो यहाँ नीची में। हाँ लो कुछ काम के नहीं हो, मुझे तो अभी दूसरे चमचे रखने पड़ेंगे। ठीक है। अरे इधर आओ इधर आओ। फिर क्या बॉस आप ऐसे ही बात करते हो? याद रखना हम आपके सच्चे दोस्त हैं, न्यू फ्रेंड्स। सच्चे नहीं कच्चे दोस्त तो कच्चे। तुम दोनों ने मुझे अकेले पीटने के लिए छोड़ दिया, वो तो अच्छा हुआ कि मैं भाग निकला। और बालवीर तो आया नहीं। लेकिन बॉस आपको ये तो पता चल गया ना कि बालवीर वापस नहीं आया, आया होता तो आता ना बचन आपको पक्का। बालवीर ने ना मैं दिमाग अधिक करके रखा है। मोंटू बॉस ये सब है ना वो मानव और मेहर की वजह से हुआ है, आपने उन दोनों को कई दिन से डोज नहीं दिया ना तो इसलिए वो चने के झाड़ पर चढ़ गए। मोंटू बॉस आपको बीच बीच में उनको डोज देते रहना चाहिए, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा और आप फिर से सब बच्चों के बॉस बन जाओगे। ए, मिला कर रे? नहीं नहीं मिला। तू उधर जा, तू उधर जा, मिलेगा तो मेरे को मिस कॉल मार देना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? अब फिर से सबके बॉस बन जाओगे। अब भी तुम लोग ने कुछ पते की बात की, वो भी बहुत दिनों बाद। अब भी तुम लोग देखना, अब भी मैं मानोगे तो अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट? इतना समझाने के बाद ये उल्टा असर हुआ है उस पे? कुछ उल्टा नहीं सीधा असर हुआ है सीधा। मैं मानो को ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आज तक उसको ऐसा गिफ्ट किसने दिया ही नहीं होगा। मैं एक अच्छे से बॉक्स को रैप करके उसके अंदर केकड़ा डालूंगा। केकड़ा? हाँ केकड़ा। और मैं साथ में कैमरा भी लेके जाऊंगा और मानो को जो भी केकड़ा काटेगा उसके चिल्लाते हुए मैं फोटो खींचूंगा और सारे फोटोज की कॉपी सारे स्कूल में चिपका दूंगा। हाँ ये आइडिया बेस्ट है। जब भी मेरा केकड़ा मानो के हाथ को काटेगा वो कितना भी झटकेगा पर छोड़ेगा नहीं, तब जो मजा आएगा ना तुम दोनों देख लेना। जी हाँ ये है बहादुर बल्लू उर्फ बल्लू का उर्फ भी बल्लू ही है। जी हाँ ये है बहादुर बल्लू उर्फ बल्लू जो तमाम मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए शहर से दूर मैदान में पहुंचता है और सभी बच्चों को बचाकर घर वापस ले आता है। आइए सुनते हैं बल्लू की अनोखी कहानी बहादुर बल्लू की जुबानी। बल्लू बहादुर मेरा मतलब है बल्लू बेटा, हमारे दर्शकों को बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि सारे के सारे बच्चे शहर से दूर उस मैदान में थे। वाह वाह लगती है ये चीज खाने की कोई। अरे बल्लू ये खाने की चीज नहीं है। अच्छा लेकिन लग रही थी मुझे ये खाने की चीज। आ गया मुंह में पानी देख के इसको। बल्लू वो पापा ठिठोली कर रहा होगा। ठिठोली? ठिठोली मेरे बेटा इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी? बल्लू बेटा अब ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि सारे के सारे बच्चे शहर से दूर उस मैदान में थे। वो बल्लू ने मुझे बताया कि वो मुझको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया था और गलती से वो शहर के बाहर उस मैदान में पहुंच गया, लेकिन किस्मत ने हम सबको एक साथ मिला लिया। बल्लू क्या ऐसा ही हुआ था जैसा मेहर बता रही है? हाँ ऐसा ही हुआ था, पर आप बार बार बल्लू को क्यों पूछ रहे हो? गायब हुए किसी भी बच्चे को फोन उठाने से लेकर उस मैदान तक पहुंचने के बीच का कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि बालवीर ने हमें बचाया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा होगा, वो ठीक है या नहीं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मोबाइल का रहस्य अभी भी बरकरार है, बस इस रहस्य की कुछ गुत्थियां हैं जो अभी तक हम सुलझा नहीं पाए हैं। तो मेहर अब तुम ये हमारे दर्शकों को बताओ कि जब तुम मोबाइल में घुसी तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहन जी अच्छा आप बताएंगे। बच्चों को जो पता था वो उन्होंने बता दिया है, अब बार बार वही सवाल करके बच्चों को परेशान मत कीजिए। हाँ मोटा भाई मुझसे भी सवाल नहीं पूछा। रॉकी मैं तुझे सवाल पूछ लूंगा। हाँ और बेटा ये इंटरव्यू है ना तुम्हारी चैनल पे बार बार दिखाना,
आप लोग सुखी होना और लोगों को दुखी करना। जी? बाप इतने बच्चे। मेनी मेनी हैप्पी एंड ऑफ डे बॉस। हैप्पी बर्थडे। ये लो आपका गिफ्ट। ए गावड़े। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। रुको रुको रुको। मेरा आज कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है। और ये तुम लोग का कोई नया प्रैंक है क्या? नहीं बॉस, कोई प्रैंक वगैरह नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। कमाल है, पर आज आपका बर्थडे नहीं है। नहीं। रोहित के बच्चे, फिर तुमने मुझे क्यों बोला? क्या मानव बॉस का बर्थडे? मोंटू बॉस, थोड़ी मिस्टेक हो गई। आज मानव बॉस का बर्थडे नहीं, मनीष का बर्थडे। छोड़ो मनीष को, मैं ये गिफ्ट मानव बॉस के लिए लाया हूँ ना, तो मैं उन्हीं को दूंगा। मानव बॉस ले लो ना। आपके बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझ के ले लो। नहीं चाहिए मुझे। पिछली बार तुमने गिफ्ट दिया था तो उसमें से मधुमक्खियां निकली थी। ये मुझे तुम्हारी कोई नई शरारत लग रही है। क्या बॉस, आपके पास तो बालवीर है। बालवीर के होते हुए मेरी क्या मजाल कि मैं आपके साथ पंगा लूं। सच्चे दिल से दे रहा हूँ बॉस, ले लो ना प्लीज। हाँ हमें तो अपने बर्थडे पे भी नहीं देता, आपको दे रहा है तो ले लूं ना। मैं तो कहता हूँ आप आंखें बंद करके ले लो, और आंखें बंद करके ही ना इसके अंदर हाथ डालना और फील करना गिफ्ट को, और फिर हमको बताना कि ये गिफ्ट कैसा है। हाँ आपको सरप्राइज मिलेगा बॉस। बॉस ले लो ना प्लीज। बॉस आग बंद करके। हाँ हाँ। मानो कुछ मिला के अंदर, क्या है बता ना क्या है? ये तो कुछ कैमरे जैसे लग रहे हैं। थैंक यू मोंटू, थैंक यू। इतना अच्छा गिफ्ट आज तक मुझे कभी नहीं मिला। इसमें कैमरे? तो केकड़ा कहाँ पे? केकड़ा? मोंटू, जो दूसरा के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। आधी रात को रानी महल में प्रवेश करेंगे, जब सारे डूबा डूबा सो रहे होंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। यहाँ? यहाँ? पकड़े गए तो? कम से कम ऐसा तो बोलो कि सुनाई दे। मैं यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ। जब हम लुका छुपी खेलते थे हमें यही छुपता था, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बालवीर मुझे अपना घर दिखाओ ना, रूम, तुम्हारे खिलौने सब दिखने हैं मुझे। मेहर पहले परी तारा फिर ये सब, ठीक है? ठीक है। रोज रात को सारी परियां मिलके ऐसी बहुत सी लालटें आकाश में छोड़ती है, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है।
अनर्थ हो गया दुपट्टा, वो अनर्थ हो गया क्योंकि इस रूप में हमारा प्रति भी मायने में नहीं दिखाई दे रहा है। पर तुम ये बात चिल्ला चिल्ला के सबको क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है अगर उनको पता चल गया कि मेहर और बल्लू बनके हम आईने में नहीं दिखाई दे रहे तो वो समझ जाएंगे कि हम दोनों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। हाँ, पर निकट मैं मानता हूँ कि है ये गड़बड़, पर मैं बात कर रहा हूँ जिसकी नहीं है वो गड़बड़, है वो महागड़बड़। महागड़बड़? हाँ, कर दिया है परी भयंकर ने दोबारा हमला पूरे पृथ्वी लोक पर। क्या? हाँ परी निकट, पहले उसने डाला बच्चों को मोबाइल में, फिर अब वो डाल रही है बच्चे बूढ़े और जवानों को एक बड़े डब्बे में। लगता है परी भयंकर मचाएगी आतंक, लाएगी तबाही, करेगी विनाश। धोती उसे वेडिंग ड्रेस बोलते हैं। वो देखो है कितने सारे लोग बंद उस डब्बे में है, वो बंद जैसे बच्चे थे मोबाइल में बंद। अब इस बल्लू को क्या हो गया? ए मानव बेटा, ये बल्लू को है ना मोबाइल की बात का गहरा सदमा लगा है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बल्लू, ये टीवी है, टीवी सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं हम, इसमें दुनिया की हर खबर दिखाई देती है। इसमें ये टीवी है, टीवी। अच्छा, हाँ समझ गया, है तो ये रानी परी। क्यों मारा आपने मेरे पैर में पैर? मारा? किसने मारा? गलती से थोड़ा सा छू गया बस। है मारा, जान छू मारे मा... है मारा, छू है, है मारा, छू है, है मारा, छू है, है मारा, छू है, है को महज को। बल्लू, तुम्हारी ग्रामर बदल गई है, पर तुम दोनों के इक्वेशन नहीं बदली। बल्लू जी, तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मुझे बताएंगे प्लीज कि रानी परी और टीवी का क्या कनेक्शन है? ए बल्लू बेटा, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, मैं ना तुम्हें सीधी और सरल भाषा में समझाता हूँ। बल्लू बल्लू, टीवी बहुत अच्छा होता है। बेटा मैं समझा रहा हूँ ना। समझ गया, समझ गया। पर चाचू, मुझे समझना है ना। हाँ तो बेटा मैं समझाता हूँ ना। अच्छा। देखो, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, वो वहाँ ऊपर से सिग्नल भेजता है जो हमारी डिश एंटीना में आता है, और हमारी डिश एंटीना उसे एक तस्वीर के रूप में हमारे सामने पेश करती है जिसे हम देख सकते हैं। समझ गया? नहीं, पर जितने समझा उससे मुझे समझ आ गया कि है ये टीवी अद्भुत बहुत। अद्भुत, अद्भुत। तुम्हें पता है बल्लू, मैंने जब टीवी को पहली बार देखा था ना तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग इसके अंदर कैसे आ जाते हैं, है ना? आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। बल्लू के आने की खुशी में दादी ने हम सबके लिए आइसक्रीम बनाया। लेकिन माँ कहाँ है? दादी और माँ जशोदा आंटी के यहाँ गई है शादी की तैयारी के लिए। जशोदा मैन, वो लकड़ी वाली वाइट वाइट बाल वाली, वो शादी कर रही है? अरे बेटा वो नहीं, उसकी बेटी की शादी की तैयारी के लिए गए हैं। अरे वाह, मस्त है ये पकवान, स्वादिष्ट मीठा है ये पकवान। बल्लू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तेरा वो टीवी वाला जोक तो झेल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं तू आइसक्रीम पे जोक मार के पकाएगा हम सबको। नहीं रहा, मैं पका सबको हूँ, मैं बहुत हैरान है, बहुत मजेदार ये पकवान खाने में। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? बल्लू बल्लू, ये आइसक्रीम, ये नहीं, ये आइसक्रीम नहीं है, ये हीम है जो ठंडी होती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई होती है। पता नहीं क्या है बेटा, ये सच कह रहा है, हीम यानी शुद्ध हिंदी में बर्फ को हीम कहते हैं। तुम इसे हीम क्रीम ही कह सकते हो। हीम क्रीम, हीम क्रीम, मैं मजेदार हीम क्रीम हर रोज खाऊंगा, मैं हीम क्रीम, मैं भी रोज खाऊंगा, मैं भी रोज खाऊंगा। सर, सर,
आधी रात हो चुकी है। ये बिल्कुल सही समय है परीलोक में प्रवेश करने का, क्योंकि अभी सारे डूबा डूबा सो रहे होंगे। लेकिन बालवीर, तुम्हें कैसे पता चला कि आधी रात हो चुकी है? यहाँ तो कोई घड़ी भी नहीं है, टाइम कहाँ से मिला? मेहर, तुम्हें अपने चारों ओर कोई लालटेन दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन उठती हुई लालटेन और टाइम के बीच में क्या कनेक्शन है? संबंध है। आधी रात होने से पहले सारी लालटेन हटाई दी जाती है, ताकि परियों और डूबा डूबा को सोने में कोई तकलीफ ना हो। वाह बालवी, ये परीलोक कितना इंटरेस्टिंग है। बालवी, जब मेरे स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगी तो तुम मुझे वापस यहाँ लाओगे ना? प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ये पूरा परीलोक देखना है। मैं मुझे पहले परी तारा ले आना है, फिर सारी परियों को भयंकर परी के अवश्य छुड़ाना है, फिर तुम जो कहो मैं वही करूँगा। चल चल। एक मिनट बालवी, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था मेरे साथ, जब मैंने रानी परी के आज्ञा के बिना सीढ़ियों पे पैर रखा था? मैं, मुझे पता है, पर तुम्हें नहीं पता कि सारे डूबा डूबा के अलावा मैं भी एक हूँ जो रानी परी के आज्ञा के बिना परीलोक में प्रवेश कर सकता हूँ, अपने साथ किसी को भी ले जा सकता हूँ। तुम्हें रानी परी की सीढ़ियों पे मेरे साथ कदम से कदम मिला के चढ़ना होगा, ठीक है? डुबाई क्या नहीं है, इसका मतलब वो जाग रहा है और यहीं कहीं है आसपास। चलो जल्दी। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.